आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जनपद में मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को 25 और मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 1631 मरीज कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। अब तक 101 की मौत। जुलाई और अगस्त के महीने में हालांकि मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अब तक 101 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अगस्त के महीने में 2 की मौत। मई और जून की तुलना में अगस्त के महीने में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों की मृत्यु दर कम है। अगस्त के महीने में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। 5% से कम है मृत्यु दर। आगरा जनपद में मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। जिले में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 4.97% है। प्रति 20 संक्रमितों में हो रही 1 की मौत। आगरा जनपद में जून के महीने में प्रति 14 मरीजों में से 1 की मौत हो रही थी, लेकिन अगस्त के महीने में ये आंकड़े सुधरे हैं। अब प्रति 20 मरीजों में 1 की मौत हो रही है। शुक्रवार को 25 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 1631 हो चुके हैं स्वस्थ। आगरा जनपद में मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में अब तक 1631 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 60% से अधिक है रिकवरी रेट। एक समय आगरा जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 90% के पास पहुंच गई थी, लेकिन इस समय रिकवरी रेट 80.31% है। जिले में 299 एक्टिव मरीज। आगरा जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में इस समय 299 एक्टिव मरीज हैं। जिले में 121 कंटेनमेंट जोन। आगरा जनपद में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है। जिले में इस समय 121 लाइव कंटेनमेंट जोन है। शहरी क्षेत्र में 70 इलाके सील। महानगर के 70 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिन्हें सील किया गया है। देहात के 51 गांव कंटेनमेंट जोन। देहात क्षेत्र में कोरोना वायरस का कहर है। देहात के 51 गांव कोरोना पीड़ित हैं। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।